चांद पे टेम्परेचर दिन में 127 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। धरती पे ऐसा नहीं होता। ऐसा आखिर धरती पे क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब है एटमॉस्फियर और उसमें मौजूद ग्रीन हाउस गैसों की वजह से। तो आखिर धरती के लिए क्यों ज़रूरी हैं ग्रीन हाउस गैसें, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। नमस्कार, मैं प्रदीप शुक्ल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि चांद पे दिन में टेम्परेचर बहुत अधिक और रात में बहुत कम हो जाता है, धरती पे ऐसा क्यों नहीं होता, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो धरती में ऐसा इस वजह से नहीं होता क्योंकि यहाँ पाई जाती हैं ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस, जिसे ग्लास हाउस भी कहते हैं, जिसकी दीवार व छत ट्रांसपेरेंट ग्लास की होती हैं और ये ठंडे प्रदेशों में बहुत कम अवधि के लिए, जहाँ सूरज का प्रकाश उपलब्ध होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, क्योंकि इसमें एंटर करने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वो प्रकाश संश्लेषण में पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। इसी प्रकार सोलर एनर्जी हमारे वातावरण में कुछ गैसों, कणों एवं जलवाष्पों द्वारा, यानी कि वाटर वेपर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो एक आवरण जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। यह आवरण पृथ्वी को गर्म रखता है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं तथा इनके द्वारा उत्पन्न प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और यह घटना पृथ्वी की सतह का जो टेम्परेचर है करीब 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है। ग्रीन हाउस गैस ठीक उसी प्रकार गर्म हो जाता है जैसे कुछ ही घंटों में धूप में खड़ी कार, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कार जो है खड़ी है, अगर 2-3 घंटे बाद धूप में खड़ी होने के बाद हम इसमें अंदर बैठें तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। उसी तरीके से जैसे ये आप पैन देख रहे हैं, इसमें पानी गर्म हो रहा है और अगर इसको हम बिना ढक्कन के उबालें तो देर में उबलेगा और ढक्कन रख दें तो जल्दी उबल जाएगा। तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ठीक ढक्कन की तरह होती हैं, जो है जिससे ये हीट को इस्केप नहीं होने देता और जल्दी गर्म हो जाता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें ब्लैंकेट यानी कि कंबल की तरह काम करती हैं। जैसे हम सर्दियों में कंबल ओढ़ लेते हैं तो हमारे शरीर का जो ताप है यानी कि जो गर्मी है, टेम्परेचर है, वो इस्केप नहीं करता और हमें गर्मी महसूस होती है। उसी तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो सोलर रेडिएशन को, सूर्य की जो गर्मी है, हीट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको वापस नहीं जाने देती हैं। तो जब ग्रीन हाउस गैस धरती पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए इतना ज़रूरी है तो दिक्कत कहाँ हुई, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो इस दिक्कत की वजह है ग्रीन हाउस गैसों का एटमॉस्फेयर में अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन। तो ग्रीन हाउस गैसों की अत्यधिक मात्रा में वातावरण में जो उत्सर्जन है, तो इससे क्या हो रहा है कि अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है और पृथ्वी सामान्य की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। जैसे हम एक कंबल के बजाय 2-3 ओढ़ लें तो हमारे शरीर की जो हीट है वो एस्केप नहीं होगी और हमको बहुत गर्मी लगेगी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से, यानी पिछले 100-200 सालों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है और इंसानी हरकतों की वजह से, हमें पता है कि कितना ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार बस ट्रक यूज हो रही हैं और उसमें फॉसिल फ्यूल कितना यूज हो रहा है। तो इससे जो है कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ रहा है और गर्मी भी बढ़ रही, यानी कि हमें ग्रीन हाउस गैसों से दिक्कत नहीं है, हमें ग्रीन हाउस के अत्यधिक मात्रा में एटमॉस्फेयर में उत्सर्जन से दिक्कत है। एटमॉस्फेयर में मौजूद वे गैसें जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। अब तक 30 से अधिक ग्रीन हाउस गैसों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर दी गई हैं। अब इसमें आप देखेंगे वाटर वेपर, मीथेन, फ्लोरिनेटेड गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का योगदान 60% है और मीथेन का 20%। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।